So guys, today we are going to start about schemes, major schemes or flagship schemes of government of India. तो उनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा basic facts उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Definitely we are not going to analyze the performance of these particular schemes, but गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके बारे में हम थोड़ा सा कवर करेंगे. सो आज का जो टॉपिक है ये बेसिक स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट की. सबसे पहले आप देख लेना, एक्चुअली अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था, उसमें बहुत जबरदस्त एनालिसिस था गवर्नमेंट की स्कीम्स का, मतलब बेस्ट इन द मार्केट में आपको जो भी मिल सकता है. और मैं पिछले आधे घंटे से उसी डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिला है. तो मैंने थोड़ा एक सब्स्टिट्यूट अरेंज किया है, वो भी उतना ही अच्छा है, बट अगेन सो इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ. नेशनल अफेयर्स की शीट पूरी हो गई? अभी नहीं हुई है, वो तो बचा हुआ है, करेंगे आज. गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम नेशनल कल हम कवर करेंगे. कल आई विल ट्राई की कल मैं उसको खत्म कर दूं. और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह की आई गेस आपको शीट्स मिल जाएंगी या मिल गई होंगी, अपडेटेड नहीं मिली है तो आज एक दो दिन में आपको मिल जाएंगी. उसमें जस्ट आपको मेमोराइज ही करना है, कुछ समझाने वाला फैक्टर नहीं है. ओके, सो जो भी अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होती है आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम, ये शायद मैंने कभी आपको बताया हो, और दूसरी आपकी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम. यस, ये जितनी भी आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती है यहाँ पे आपकी जो फंडिंग होती है यहाँ पे 100% बाय सेंटर गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रेशियो होता है, और ये रेशो मेनली अभी इनमें जो रेशो रहता है वो रहता है आपका 60-40 का. 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट देगा. नॉर्मली ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए रहता है. और इसमें एक दूसरा रेशो रहता है 90:10. 90% सेंटर देगी, 10 देगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट. बेसिकली ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए होता है प्लस हिमालयन स्टेट के लिए. हिमालयन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, वहां पे तो 100% सेंटर ही फंडिंग देगी. तो ये रेशो होता है ना. इसमें थोड़ा सा एनालिसिस ये था कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, मतलब टेक्निकली ही कुछ होगा. एक्चुअली मैंने जो लैपटॉप लिया ना, एक नई कंपनी का ट्राई कर लिया था वैसे लॉकडाउन के दौरान, तो ये ठीक है, चाइनीज है, तो अगेन चाइनीज क्वालिटी आपको बताइए. ऑल्दो एप्पल का भी लोगे वो भी चाइनीज ही है, बट अगेन एटलीस्ट यूएस की क्वालिटी तो अश्योर हो जाती है. ओके, सो 60% 40-90-10. What I am saying is that ki before Modi government 2014 se pehle ye ratio tha aapka 70-30. Yahan pe aapko ek cheez dikh rahi hai ki center sponsor jitni bhi scheme hai center government ne, agar aap aaj compare karte ho to states ke upar responsibility badha di. Burden on state.
ये समझ में आया थोड़ा सा, एक रफ एनालिसिस आपको थोड़ा सा बताया है। इवन इसको किसने, कमलनाथ ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, व्हेन कमल नाथ वाज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर थे वो मध्य प्रदेश के, अभी जस्ट शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ही जीती थी, उसके बाद फिर कांग्रेस के कुछ एमएलए ने डिफेक्ट करके बीजेपी में चले गए, तो फिर दोबारा से शिवराज सिंह चौहान आए। ये थोड़ा सा इसका एनालिसिस क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है? सर, सर आपने 90-10 के आपने रेशो में किस किस को बताया था? 1910 के रेशो में, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सेवन सिस्टर हो गई आपकी, नागालैंड असम प्लस हिमालयन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम, पहले जम्मू। सर, या ये जो आपने 60-40 वाला रेशो बताया, वो 60 वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट ये का है? सेंट्रल देगी और ये स्टेट देगी। ओके. फॉर एग्जाम्पल सी ना, इंदिरा आवास योजना में आपको 1,20,000, 1,30,000 मिलते हैं, 130 लाख रुपए मिलते हैं आपको घर बनाने के लिए, तो उसका 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट देगी। नाउ अब उन्होंने उसका नाम कर दिया है अटल आवास योजना, तो कई बार इनके नाम को लेके भी ये होता है कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में नाम तो आपने प्रधानमंत्री करके लिखा है लेकिन पैसे तो स्टेट भी दे रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करते और इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करते। इंदिरा आवाज में आप 70-30 लिख रहे हो ना सर? मैडम ये मैंने आपको बताया आप समझे नहीं, ये 60-40 अभी शेयरिंग रेशो है, 2014 से पहले 70-30 हुआ करता था, वो तो मैं 1,30,000 आपको जस्ट उसका आउटले बता रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कितना मिलता है, समझ में आया? हाँ सर, यस सर. ओके सो जस्ट मैं भी बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ आपको कुछ बेसिक स्कीम्स के बारे में। अब पता है क्या, मेरे पास है ना इस टाइम पे 300 पेज के डॉक्यूमेंट है, और वो गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑथेंटिक से डॉक्यूमेंट है, और जिस डॉक्यूमेंट को मैं ढूंढ रहा था वो 30 पेज का था, और सारी उसमें स्पेसिफिक वो मैंने ही बनाया था, वो मिल नहीं था। अब इसी को दोबारा से मुझे एक एक करके देखना पड़ रहा है। चलो फिर भी मैं आपको कुछ मेन स्कीम से स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड। सही, स्कीम्स वाला जो आप डॉक्यूमेंट बता रहे हो वो ड्राइव पे अपलोड हो गया है क्या? नहीं, वो मेरा पर्सनल है मैडम आपको। अच्छा ओके. ओके, आपको अभी वो तो एनालिसिस आपको देखिए, आपको स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या मेमोराइज करना है। सी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 350 स्कीम्स तो है, ये इतनी कवर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप कितना कवर कर सकते हैं। 350+ स्कीम्स तो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कम से कम 40-50 स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स। तो अगर कोई बोले कि सर मुझे 100% श्योरिटी दो कि स्कीम जो भी पढ़ूं उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, तो फिर मैडम आपको 400 स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पढ़ पाएगा। नाउ बेस्ट आप क्या कर सकते हो, तो होता क्या है गवर्नमेंट की कुछ फ्लैगशिप स्कीम होती है, फ्लैगशिप स्कीम होती है आप देखोगे मिनिस्टर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया उनके बारे में बात कर रही है, सोशल मीडिया पर उनके बारे में, मतलब जो बस क्रिएट कर रही है और फंडामेंटली देश को इफेक्ट करने की कैपेसिटी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अटल इनोवेशन मिशन, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा आवास योजना, तो ये कुछ मेन इसकी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ये कुछ ऐसी स्कीम है कि इनको आप मिस नहीं कर सकते, ये तो पता ही होनी चाहिए। तो लगभग ये जो फ्लैगशिप स्कीम है 15 से 20 के करीब है, तो आपको एक तो ये पढ़नी होगी प्लस वो। या सर, आप ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसकी आप कोई लिस्ट दे दोगे हमें जिसके ऊपर हम डिटेल मैडम करें सर? सारा ये फ्लैगशिप स्कीम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो मैं कराऊंगा, ये 20 जो स्कीम है ना वो तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, उसमें आप टेंशन छोड़िए। ओके सर. हाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस ये जो बाकी 30 स्कीम्स है ये ऐसा है कि कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको 2-3 पॉइंट हर स्कीम के बारे में करना है, इनके आपको प्रॉबेबली नोट्स मिल जाएंगे, ये तो मैं आपको डिटेल में ही करवा दूंगा, इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हम डिटेल में जाए, अब नॉर्मली स्कीम ऐसी तो होती नहीं है कि आधे पेज पे लिखी हुई है, एक एक स्कीम के डॉक्यूमेंट थाउजेंड थाउजेंड पेजेस के होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 या 5 बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए।
पहला आपका पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, बेसिक सा फैक्ट है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है। तीसरा आप ये देख लेना कि इसमें इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव बेसिकली या ऑब्जेक्टिव, या ये आपको कोई बेनिफिट दे रही है तो वो कितना दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसान स्कीम में 6,000 रुपए पर फार्मर को मिलते हैं, तो इसके बारे में 2 या 3 पॉइंट एट मैक्स। मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए किस मिनिस्ट्री की है, सेंटर सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ये पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव या मेन पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट, प्लस इसका कोई सब इनिशिएटिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के 5 या 6 पॉइंट आपके बनेंगे फ्लैगशिप स्कीम के, पर स्कीम पे इतना पता होना चाहिए, तो एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आएगा। बाहर आया तो फिर भगवान आपके साथ हो उस दिन, यही मैं प्रेयर कर सकता हूँ, बाकी इतना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। तो 5-7 पॉइंट आपको फ्लैगशिप स्कीम से रिलेटेड पता होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आज पेशेंस रखना, मुझे देख देख के बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही हो जाए। ये गाइज एक आप क्या मतलब आपसे भी लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लास तो हो गई है, या मैं क्या इनको नेक्स्ट क्लास के लिए रख दूं, आज कुछ और मैं आपको 1 घंटे में करा दूं, बताइए। हाँ सर ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी ओके सर ठीक है ना, मैं अभी 40-50 मिनट वैसे ही बचे हैं, मैं 15 मिनट इन पेपर में लगाऊंगा, आपको कंटेंट भी इतना नहीं मिल पाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी में करवाओगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा, तो आज रात और फिर आपको भी टाइम लग जाएगा ना सर ढूंढने में, उससे बेटर है मेन पॉइंट्स हां बाद अगली क्लास में कर लेंगे, करवा सकते हो तो वो करवा दो आज। सॉरी नेशनल वाला करवा दो ना सर, वो आप कह रहे थे कमी है अभी नहीं, वो पूरी क्लास लगेगी, बट मैं कुछ और करा रहा हूँ आपको। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग का एक मेन चीज नहीं हुई थी, मेन में आपको फैक्चुअल ही कुछ बताता जा रहा हूँ, समझाने वाला भी बताता जा रहा हूँ। ओके आ गया, मैं इस क्लास में अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको, इस टाइम पे मैं सी अभी अप्रोक्स हमारे पास है, आप मानिए 60 मिनट है। I will try कि मैं आपको 60 most important facts of polity करा रहा हूं, क्या कहते हो? That में भी geography पे जा सकता हूँ, history पे जा सकता हूँ, eco पे जा सकता हूँ, eco तो छोड़ो बहुत पढ़ाया है, but I will prefer polity, बाकी आप लोग बताइए क्या opinion है? Yes sir, polity. ठीक है, and ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ उतना काफी है, बहुत आगे जाके मतलब अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, होगा तो अपना डाउट थोड़ा संभाल के रखना, मेन मेन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखाता जाऊंगा, साइड बाई साइड आप लिखते जाइए, अपना एक रफ ले लेना, बेसिक बेसिक हम लिखते रहेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के आपने प्रियम्बल के बारे में सुना हुआ है? प्रियम्बल? Yes, sir. We the people of India, etc., etc. इसके बारे में 2-3 फैक्ट ये है। पहला कि कई बार ऐसा हुआ था कि ये जो प्रीएम्बल है इसको अमेंड कर सकते हो या नहीं, तो इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी थी। तो पहला आपको ये करना है, इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड। यस सर।
इस पे बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था, बट चलो फिर भी देखेंगे, मेजर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. अब क्या ये अब तक एमेंड हुआ है? एमेंड तो हम कर सकते हैं, बट क्या ये अब तक हुआ है? यस हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. बेसिकली इसमें तीन नए वर्ड ऐड किए गए थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका आया था 1976 में, इसको याद रखना बहुत मेजर है. इसमें तीन वर्ड ऐड किए गए थे, उनमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है. एक आ जाता है सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड सेक्युलर, एंड तीसरा है आपका इंटीग्रिटी. ऑल्दो जब हम एनालिसिस करेंगे आपको ये देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सच में सोशलिस्टिक है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म आप लेके आ गए हो, कैपिटलिज्म आप लेके आ गए हो, तो क्या हम सच में सोशलिस्टिक है या नहीं. Then, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, बट क्या सच में सेकुलर है? बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, हम हज यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं, कई बार ये न्यूज में भी रहता है, या अमरनाथ की यात्रा के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, तो क्या वो सरकार की सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल की फिलोसफी है उस पर डेंट मारती है नहीं? अगेन ये सारे डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक हैं, बट अभी आप इतना याद रखिए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कीजिए कि इतना ये है. दूसरा, तीसरा पॉइंट अगर आप देखते हो तो हमारे देश में एक है आपका टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सबको पता है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. Originally not a part of Indian Constitution. यानी कि originally का मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, originally का मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 में Constitution adopt किया था, तब fundamental duties हमारे Constitution में नहीं थी. Fundamental duties जैसा कुछ भी concept हमारे Constitution में नहीं था. Okay, इसका मतलब है हमने add किया है. Yes, हमने add किया है. कब ऐड किया है? अगेन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. और इसका अगेन अमित शाह ने फेमस ही कर दिया, क्रोनोलॉजी समझिए. 1976 में क्या था, ये कौन सा टाइम था जब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाई जा रही है? सर इमरजेंसी, इमरजेंसी का टाइम था. इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, आपके राइट छिन जाते हैं, आपके पास कुछ राइट नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है. तो आपको याद दिलाई जा रही है कि सर इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी कोई ड्यूटीज नहीं है. तो 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम इसको लेके आए थे, और इसमें कमेटी थी, फेमस कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी. सर 47, नॉट 42nd. नहीं मैम, 42nd ही है. ओके सर, सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44 ही आपका 78 में आया था, तो फिर तो इमरजेंसी का वो पीरियड ही नहीं रहा. ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में आपको मिलती हैं. तो ये मिलती हैं आर्टिकल 51A. ठीक है, ये तीन चार पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं. नाउ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है, तो ये बेसिक आप याद रखना. आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, आर्टिकल 1 आपका बोलता है इंडिया दैट इज भारत एज अ, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैं डिट्टो कॉपी मार रहा हूं, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है. नाउ इसके दो तीन आपको याद रखना, एक तो हिंदुस्तान मेंशन नहीं है, भारत मेंशन है, दूसरा यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इसमें यूटी भी मेंशन नहीं है, यूटी मेंशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है. और एक और टर्म है, कुछ लोग जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो ये है फेडरेशन मेंशन नहीं है, फेडरेशन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट. जिन लोगों को समझ में ना आए बस रट्टा मार लेना कि ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन मेंशन है, फेडरेशन नहीं मेंशन है. सर एक सेकंड, आपका बहुत डिस्टर्ब हो रहा था सर, वो
आपका वॉइस. सी तो मैंने यहाँ पे बोला है आर्टिकल वन टॉक्स अबाउट इंडिया के बारे में. इंडिया दैट इज भारत इज एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो यू हैव टू मेमोराइज दैट द टर्म हिंदुस्तान इज नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत यूज किया गया है, इंडिया यूज किया गया है, और यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट. स्टेट मेंशन है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है. हेलो सर. हेलो हेलो सर. जी सर बता दीजिए. अरे सर मैं बोला कि सर 42 वो जो अमेंडमेंट एक्ट 1976 उसमें स्वराज सिंह है कमेटी है ना. स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह एस डब्ल्यू ए आर एन. गोल्डन हिंदी में स्वर्ण होगा. ओके 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 सर. ठीक है सर. ओके सो ये कैसे हैंग हो रहा है. ओके सो ये एक थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये भी देख लेना. सबसे पहली 1960 में जब हमारा देश रीऑर्गेनाइज हुआ था तो सबसे पहली जो हमारी स्टेट क्रिएट की गई थी किसके बाद, एक एक्ट पास हमने किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. इसके बाद जो पहली स्टेट हमने क्रिएट की गई थी वो क्रिएट किया गया था महाराष्ट्र से, हमने निकाला गुजरात. और उसके बाद ये मैं दो तीन बता रहा हूं 19, क्योंकि ये स्टेट भी बड़ा भी न्यूज में था. 1963 में हमने क्रिएट किया नागालैंड. आप सुन रहे हो नागा पीस डील कई बार चल रही है, वो गवर्नमेंट के साथ कभी नेगोशिएट करने आते हैं कभी नहीं आते हैं. और 1966 में हमने क्रिएट किया पंजाब में से हरियाणा क्रिएट किया और उसकी कैपिटल को चंडीगढ़ को हमने बना दिया यूपी. अच्छा नागालैंड के बारे में देख लेना, ये जो नागा लोग थे ये बेसिकली अपना इनका फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है. फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, बहुत पुराना है. इवन इनका फ्रीडम मूवमेंट आपका 1915 से ओरिजिन है. कैन यू इमेजिन 1915 से ओरिजिन है. और आपने हिस्ट्री में सुना है कभी, आपने सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुनी है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. यस सर. यस सर. जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें गांधी जी गए थे, फर्स्ट में तो नहीं गए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था. इन लोगों ने अपनी वहां पे भी अपील भेजी थी कि हमें आजादी चाहिए. तो कैन यू इमेजिन कि अब की हिस्ट्री नहीं है, पूरे 100 साल हो गए हैं नागालैंड इंसर्जेंसी को. तो बहुत सारे ग्रुप है, कुछ ग्रुप गवर्नमेंट के साथ उन्होंने सीज फायर कर लिया है, एक ग्रुप अभी नहीं कर रहा है. तो एक पीस डील इनके साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं. बट दे आर डिमांडिंग, दो चीजों पे मुद्दा अटका हुआ है. दे आर डिमांडिंग अ लार्जर स्टेट जिसमें थोड़ा आसपास का अरुणाचल प्रदेश की भी लैंड ये मांग रहे हैं, असम की भी मांग रहे हैं, और नीचे है इनके मणिपुर की भी मांग रहे हैं. वो बोल रहे हैं बड़ा नागालैंड क्रिएट करो, ये डिफिकल्ट है. दूसरा ये अपना फ्लैग मांग रहे हैं. तो नागालैंड के बारे में याद रखना 1963 में इसको स्टेटहुड हमने दे दी थी. उसके बाद इतना ही आप याद रखिए. ओके अच्छा एक और चीज आप याद रखना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है. इनिशियली हमारे देश में भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आप ये जो नई स्टेट बना रहे हो, न्यू स्टेट आप जो बना रहे हो, ये किस बेसिस पे बना रहे हो, क्या लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है. तो इसमें हुआ क्या था, बहुत सारे सरकार ने कमीशन बनाए, उनने मना कर दिया कि लैंग्वेज पे मत बनाइए, लेकिन एक कमीशन था उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो पहला कमीशन था जिसने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट बना सकते हो, वो है फजल अली कमीशन. सर आई गेस इसी के बेसिस पे शायद आंध्र तमिलनाडु. हाँ हाँ इसी के बेसिस पे बना था आपका क्या कहते हैं आंध्र तमिलनाडु. जी 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 इसी के बेसिस पे बना था. तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप समझ ही जाओ दोबारा से स्टेट बनाने का. एक चीज समझिए यहाँ पे,
इन्होंने लैंग्वेज को एज अ बेस एक्सेप्ट कर लिया था बट कि भाषा के आधार पे आप राज्य बना सकते हो, बट इसने ये नहीं बोला कि वन लैंग्वेज इक्वल टू वन स्टेट आप बनाएंगे, इसने वन वन लैंग्वेज इक्वल टू वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इसने बोला ये नहीं है भाषा के आधार पे बना लेना, पर ऐसा नहीं है कि एक भाषा के आधार पे एक ही राज्य बनाओगे, एक राज्य में ऐसा हो सकता है कि एक भाषा मेजोरिटी हो बाकी माइनॉरिटी हो, क्योंकि अगर एक भाषा के आधार पे एक राज्य बनाओगे फिर तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे देश में। yes, ये sir. बात समझ में आई क्या बोला इसने? Yes, sir. इसने भाषा को एक बेस एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पहले यही था कि भाषा के आधार पे बनाएंगे ही नहीं। एक एक इवन एक कांग्रेस पार्टी ने भी कमेटी बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक और थे, तीन जने थे इसमें। इसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई लैंग्वेज के आधार पे नहीं करेंगे, नया नया देश है, अभी तो पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के टाइम पे वैसे ही ये 1948 की बात है जब ये कमेटी बैठी थी, और 1947 में तुम्हें पता ही है कि कई मिलियन लोगों की तो डेथ ही हो गई पार्टीशन से धर्म के नाम पे। अब उन्होंने बोला कि भाषा के नाम पे फिर देश के लोग लड़ेंगे, उस टाइम पे बड़ी इनसिक्योरिटी थी, देश की मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी, लीडरशिप अनएजुकेशन थी, बहुत सारे इशू थे, तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज की बेस पे पार्ट देंगे बट वन लैंग्वेज वन स्टेट को नहीं माना इन्होंने। ओके, आई होप ये समझ में आपको आ रहा है। यस सर, यस सर। अगर किसी को लगे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो तुम्हारे पास राइट है, मुझे बता सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी देश में? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी आपकी आंध्र। हाँ, अब एक चीज याद रखना, आंध्र प्रदेश 1953 में बन गई थी इस पर्टिकुलर कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत फेमस होते, मुझे नाम याद नहीं है, लीडर थे, वो धरने पे बैठ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, तो पूरा आंध्र प्रदेश में एक इमोशनल सा माहौल था, सरकार ने बना दिया कि लोगों के इमोशंस को ज्यादा नहीं भड़काते हैं, जैसा भी फार्म बिल के केस में हो ही रहा है, लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, मैसेज में नाम पढ़ लेना, किसी बच्चे ने बता दिया है। ओके, सो मार्शल लॉ इमरजेंसी तीसरा 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 नाउ एक चीज और आप यहाँ पे देख लेना, ये कई बार ये सबसे फेमस केस है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ कई बार ये डिबेट हुई थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है या नहीं, उससे रिलेटेड तीन चार केस हुए थे कि कौन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है या नहीं। अब कितना अमेंड कर सकता है, क्या पार्लियामेंट कल को ये डिक्लेयर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कि हमारा देश अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म बन गया है? कितना आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया कि आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन कितना कर सकते हो इस पे हमेशा डिबेट थी। तो फाइनली कई सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ये डिबेट सेटल करती है केस ने, और वो सबको पता है, केशवानंद भारती केस। यस सर, 1972। यस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973। इसने क्या बोला, पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखना जुडिशरी ने कितना क्लियरली खेला है, खेला ही है एक तरीके से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, अब बाकी लोगों ने पूछा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशरी विल टेल। ये जुडिशरी ने क्लियर नहीं बताया है कि दिस पर्टिकुलर इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, लाइन ड्रॉ नहीं किया। उन्होंने बताया जब टाइम आएगा देन वी विल टेल कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉट। नाउ समझ में आ रहा है हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज? यस सर, समझ नाउ राइट हो जाए, यही बहुत बड़ा बात है। अब यहाँ पे जुडिशरी किसी भी चीज को बोल देगी कि नहीं ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं कर सकते। तो जुडिशरी ने अपने आप
से क्लियर नहीं किया है, क्योंकि अगर क्लियर कर देगा तो कल को पार्लियामेंट फिर यहां से घुमा के लाएगा, क्लियर बता दिया कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है तो पार्लियामेंट इनको अमेंड करेगा, तो जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जुडिशरी ने कुछ बोला ही नहीं है। वो मैं एक फेमस एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि दे विल बीट यू इन स्पेशल केस, एंड व्हाट इज स्पेशल केस, योर पेरेंट्स विल डिसाइड, सो प्रैक्टिकली दे कैन बीट यू एनी टाइम, दिस इज द स्पेशल केस। सी अगर कभी ऑप्शन आ जाए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे देश में है कि भाई डेमोक्रेटिक है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिली हुई है, लिबर्टी है, एक्सप्रेशन है, तो ये सारी चीजें आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सेटल्ड है, बहुत सारी चीजें सेटल्ड नहीं है। क्लियर है? और कभी सर अगर प्रियम्बल के बारे में पूछा तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस प्रियम्बल जैसे प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? भाई हो, प्रियम्बल इज सी, प्रियम्बल हर चीज का पार्ट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो सारा क्रक्स है वो प्रियम्बल में है। यस सर, प्रियम्बल में की अगर सारी चीजें निकालोगे तो फिर बचेगा क्या बेसिक स्ट्रक्चर में? कुछ नहीं बचेगा। प्रियम्बल टॉक्स अबाउट सॉवरेनिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सब के बारे में बात कर रहा है वो। ये नहीं बचेगा तो फिर कुछ नहीं है, तो yes, ये है पार्ट है। yes, अच्छा एक यहाँ पे मैं, चलो ये कभी बाद में बताऊंगा, मुझे याद दिला देना, मुझे ये बताना है व्हाट इज यूनिटरी वर्सेस फेडरल। ये जस्ट मेरे पास एक फोटो सेंड करूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, मुझे जस्ट याद दिला देना है कभी, अभी नहीं बता। आपने किसी क्लास में बताया भी था ये? हाँ बताया था पहले वाली क्लासेस में, डेफिनेटली हमने डिस्कस किया। अच्छा अब ये देख लेना, जस्ट एक बहुत छोटा सा है, चलो ये नहीं, अच्छा एक चीज और आप देखना, फॉर एग्जाम्पल कभी अगर ये आ जाए तो इतना ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो ऐसे स्पेशल प्रोविजन हमने बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे आर्टिकल 371A है, आर्टिकल 371B है, सी है, डी, ई, एफ, तो ये आर्टिकल 371 है ना, ये भी स्पेशल प्रोविजन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। अब इतना तो याद नहीं कर पाओगे, इतना आपसे पूछेंगे भी नहीं, बस इतना बेसिक सा याद रखना कि हमने और भी राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। अच्छा एक अच्छी चीज ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है, गवर्नर बड़ा न्यूज में था, गवर्नर, गवर्नर की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन गवर्नर बन सकता है? तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ही एलिजिबिलिटी दे रखी है, पहला 30 प्लस ईयर ऑफ एज, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि जो भी हमारे देश का गवर्नर बनेगा दैट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बस ये दो ही हैं। अगर आप किसी लो पब्लिशर की बुक पढ़ोगे उसमें दो और दे रखे हैं क्वालिफिकेशन, बट दे आर जस्ट कस्टम्स, वो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कैन बी ब्रीच्ड बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी अदर लॉ। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही चीजें लिखी हुई हैं कि गवर्नर की जो एलिजिबिलिटी है 35 ईयर ऑफ एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, और गवर्नर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सर गवर्नर के पास पावर क्या क्या होती है? मैडम गवर्नर के पास बहुत लिमिटेड पावर होती है, बट अगर आपने पूछ लिया है तो मैं भी आ रहा हूं। उससे पहले एक आप ये याद रखना कि आप एक वर्ड सुनते हो कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर आपने सुना होगा। यस सर। द वर्ड कैबिनेट इज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज एडेड बाय, ये एड किया गया था, इट वॉज
अच्छा मैंने वर्ड लिख दिया. इट वॉज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. ये ऐड किया गया था. और ये क्यों ऐड किया गया था मैं बताऊंगा. पहले क्या होता था, अगर आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो इमरजेंसी जो पहले डिक्लेयर थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो डिफरेंट था. इन्होंने इसके द्वारा उसमें दो तीन प्रोविजन डाले. पहला प्रोविजन था, पहले क्या होता था कि पीएम ने बोल दिया प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी लगा दी गई. पीएम की एक कॉल से इमरजेंसी लग गई. कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति को आपने इतना पावरफुल बना दिया है कि उसने सारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट एक तरीके से छीन लिए. तो पहले इतना पावर, इतना इजी था इमरजेंसी लगाना. बाद में इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगाने को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल पहला इन्होंने बोला कि ओरल नहीं होगा, रिटन होगा. तो पीएम जब प्रेसिडेंट के पास भेजेगा तो दैट शुड बी रिटन प्लस दैट शुड बी साइंड बाय और एक्सेप्टेड बाय ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये जो कैबिनेट टर्म है इस टाइम पे यूज किया गया था. तो आज की डेट में इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है, लेकिन कब लगाएगा, जब उसको रिटिन में प्रपोजल मिलेगा. रिटिन में प्रपोजल मिलेगा किसके साइन होंगे, पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर के, तो तब इमरजेंसी लगेगी, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लग सकती. ओके. एंड आपको एक और यहाँ पे फैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मेमोराइज करना. देखो यहाँ पे 5-6 पॉइंट मैंने बता दिए. एक ये है कि पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी. यस सर. इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया लीगल आ लीगल राइट. लीगल राइट, लीगल राइट. पहले क्या था, फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट. अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट बाय दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट हमने उसको एक लीगल राइट बना दिया. बस इतना याद रखना है, आपका काम चल जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या था. ओके. अब एक बच्चे ने पूछा कि व्हाट आर दी पावर्स ऑफ गवर्नर. ओके, गवर्नर की मैं 2-3 मेन पावर बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, पर 3-4 मैं आपको बता दूंगा जिससे आपका चल जाएगा पावर क्या क्या है गवर्नर की. देखिए गवर्नर पहले क्या करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है. गवर्नर नॉमिनेट करता है, एक मेंबर तो करेगा, वन मेंबर टू लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता है कहां से करेगा, फ्रॉम एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है, वो लोग जिनके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी में से अगर कोई भी एक अंग्रेज है तो वो एंग्लो इंडियन बन गए. तो इनमें से एक मेंबर को नॉमिनेट करता है प्लस 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे तो राज्यों में नहीं है, 7 में है, 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. तो उसके 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर. तो एक तो पावर ये होगी गवर्नर की नॉमिनेशन वाली. दूसरी गवर्नर की पावर है आर्टिकल 200. इस आर्टिकल 200 में वो क्या करता है, इस आर्टिकल 200 में गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. तो 200 आर्टिकल 200 बोलता है, देखिए किसी एक स्टेट है, स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया तो गवर्नर को साइन करना होता है. लेकिन अगर वो बिल ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या कुछ उसमें उसे लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए वो रख देगा. प्रेसिडेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही वो जा रहा है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये दूसरी मेन पावर है. और क्या है, और उसके पास कोई मेन पावर नहीं है. जैसे फिर वो ये बोल देगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके लिए रिकमेंड करता है. तो ये बेसिकली 3-4 मेन मेन पावर है, 3 यही मेन पावर है. क्लियर है?
यस सर ठीक है, इतना ही कर लोगे, इतना काफी है इसमें। सर जी पूछे कुछ पूछना है सर, अभी तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो हटा दिया ना। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पार्लियामेंट से हटाया है, पार्लियामेंट की भी जो जो 17th लोकसभा है, 17th लोकसभा जो 2019 से 24 तक उसका टेन्योर है, इसमें इन्होंने बोला है नो नॉमिनेशन, इसको हटा दिया। अभी भी ये जो स्टेट की असेंबलीज हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है वहां पे ये अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, वहां पे अभी ये चल रहा है, कंटिन्यू है। बट यहां पे दो होते थे नॉमिनेट, यहां पे कितने होते हैं, एक। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा चलो ये देख लेना, ये भी अच्छा है, पर इसमें तुम फंस जाओगे फिर मेरे से डाउट पूछोगे। अच्छा ये एक जस्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दे में आस्क कि जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 500। अभी तक किसी भी स्टेट की जो सबसे मैक्स है वो है 403 यूपी, ओके। और इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम हो सकती है 60, बट देयर आर एक्सेप्शंस। जैसे है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हूं तो आई गेस आप सभी लोग आंध्रा में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आंध्रा की पॉपुलेशन बहुत है। सिक्किम, गोवा, इन सभी में है 30। मिजोरम, मिजोरम में है 40 एंड नागालैंड में है 46। तो ये अभी है, अदरवाइज 60 से कम नहीं होनी चाहिए, बट ये कुछ एक्सेप्शन है। सर एक क्वेश्चन था, मॉक में देखा था जी, बताइए। इंटरस्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा ये देख लेना, चलो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक तो इतना ही आपके एग्जांपल इंटरव्यू से। सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कि क्रिटिसिज्म है। अच्छा आप सभी लोग, अगेन एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं या पूछ रहा हूं, आप सभी लोग अभी ये समझ पाते हैं कि अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताता हूं, क्योंकि अभी जो हमारा अगले 20-25 दिन के बाद एग्जाम होगा वो फैक्चुअल है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाता हूं। ये बात आप समझते हैं ना? ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, समझते हैं ना ये सारी बात आप, क्यों मैं नहीं जा रहा हूं? हां ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उसकी डिटेल में जा सकता हूं, बट फॉर टाइम बीइंग ठीक है। अदरवाइज आपको जब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। We have center and we have state. तो हमारे constitution ने है ना center और state के बीच में power का distribution well defined power distribution है, but क्या नहीं है यहां पे इसका criticism है, but very weak mechanism, very weak mechanism for coordination, coordination and dispute settlement, है ना। कोई आपने देखा है हमारे देश में ऐसा हो कि मोदी जी बैठे हैं, सारे स्टेट के मिनिस्टर बैठे हैं, हर महीने ये बात करें आपस में, कोई डिस्प्यूट उसे सॉल्व करें, रिफॉर्म कैसे होने हैं, कोई ऐसा आपको नहीं दिखता है। आपको दिखता है सेंटर अपनी स्पीड से चल रही है, स्टेट अपनी स्पीड से चल रही है।
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कंट्री एक पूरी कार है और दो व्हील सेंटर है, तो दो व्हील स्टेट है और सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं? ऐसा नहीं होता है, आपको दिखता है ना कि ये फिजिकली भी सेंटर अपनी स्पीड से भाग रही है, स्टेट अपनी स्पीड से भाग रहे हैं, स्टेट वाले सेंटर पे ब्लेम कर रहे हैं, सेंटर स्टेट पे ब्लेम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ इंस्टीट्यूशनल वे जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, डिस्कशन हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बट स्टिल वी हैव सर्टेन मैकेनिज्म। अब वो सर्टेन मैकेनिज्म क्या क्या है? तीन चार मैकेनिज्म है जहां पे सेंटर और स्टेट ऑफिशियली बैठते हैं। देखिए, जहां पे बीजेपी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, सेंटर में भी कांग्रेस है, स्टेट में भी कांग्रेस है, वहां पे हमारे देश में क्या होता है, रिश्ते बड़े अच्छे चलते हैं। क्योंकि रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं चलते हैं कि आपने इंस्टीट्यूशन अच्छा क्रिएट कर रखा है, एक ही पार्टी है इसलिए अच्छे चलते हैं। लेकिन जहां पे सेंटर में कोई और सी पार्टी हो गई, स्टेट में कोई और सी पार्टी, तो फिर रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनल तरीका डेवलप नहीं किया है। जब मैं ये बोलता हूं देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल वे, तो समझ में आता है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी अपनी लंबी चौड़ी कहानी है। इंस्टीट्यूशनल वे होता है किसी भी देश का, जैसे यूएस के इंस्टीट्यूशन बड़े स्ट्रांग है, ये स्टेटमेंट समझ में आई? यस सर। बाकी किसी को नहीं समझ में आई? यस सर, आगे। ठीक है, चलो अब मैं ये बता रहा हूं, अब बिना टाइम वेस्ट करे। सो क्या क्या मैकेनिज्म है सेंट्रल स्टेट के कोऑर्डिनेशन के? एक तो आर्टिकल 262 बोलता है कि देयर शुड बी अ इंटर स्टेट काउंसिल। अब आप देखिएगा हमारे देश में, जस्ट इमेजिन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि भैया सेंटर और स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, सारे राज्य आपस में बैठे, सेंटर भी बैठे, डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। बट ये पहली बनाई 1990 में जाके, संविधान के 40 साल के बाद। और सुनिए, देयर इज अ गैप ऑफ 10 ईयर। एक मीटिंग हुई थी 2005 में, उसके बाद मीटिंग हुई थी 2015 में या 14 में, 2015 डाल रहा हूं चलो मैं। कैन यू इमेजिन 10 साल के गैप में एक मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल की? ऐसे में तुम क्या इंस्टीट्यूशनल वे में कॉपरेट करोगे? तुमने तो फॉर्मेलिटी बना रखी है, कुछ नहीं करते, आपस में सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। 10 साल में मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग होनी चाहिए डेली। ठीक है, चलो एक ये हो गया, यहाँ पे बैठते हैं। दूसरा हो गया, एक अभी हमने बात की थी, एक एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी बताया था ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, अभी ये बताया था मैंने। हेलो, ठीक है ना, स्टेट को कैसे हमारे देश में आप जो नए राज्य बनाओगे किस बेस पे बनाओगे, तो इन्होंने बोला था देयर शुड बी जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल होनी चाहिए। वो देख लेना, 5 या 6 जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न हो गई, ईस्टर्न हो गई, सदर्न हो गई, तो जोनल काउंसिल आप बनाएंगे। ये भी एक तरीके से डिफंक है, ये भी अच्छे से काम नहीं करता। और क्या मैकेनिज्म है आपके पास? और मैकेनिज्म है, अब हो गया एक जीएसटी काउंसिल। जीएसटी का जब टैक्स डिसाइड होता है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, इसमें 25% जो वोटिंग पावर है वो सेंटर के पास है, आई गेस। चलो इसको छोड़ो, वोटिंग को, ये इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर होगा प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी, यूटी जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि दिल्ली एंड पांडुचेरी, तो ये सब मिलके बैठते हैं। दूसरा मैकेनिज्म हो गया ये जीएसटी काउंसिल, ये भी ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म है नीति आयोग, उसके अलावा कोई और मैकेनिज्म नहीं है। पहला मैकेनिज्म तुमने देख लिया कितना इफेक्टिव है, 10 साल में मीटिंग हुई है, ये डिफंक है। जीएसटी अब आया है, नीति आयोग भी इतना इफेक्टिव नहीं है, ये थिंक टैंक है। कॉन्क्लूजन ये हो गया कि देयर इज नो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल वे
ये इंस्टीट्यूशनल वे होता है, किसी सोसाइटी में डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस है, जुडिशरी है, और ये इफेक्टिव है, तो ये अपने आप सॉल्व कर लेगी। हमको आपस में दो लोगों को बार बार लड़ने की जरूरत नहीं है, एक इन संस्था है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो संस्था कौन है, ये संस्था है बट ये सारी फेल है, तो कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी। आई होप मैडम जिसका भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, थैंक यू। यस सर, ठीक है। सी नाउ, आपका उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, एक तो ये पूछा होगा कि इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव है, ये एक लॉ से ड्राइव है, ये एक लीगल बॉडी है। दूसरा इसका सोर्स पूछा होगा। तीसरा मेंबर पूछे होंगे, इंटर स्टेट काउंसिल में सभी स्टेट के मेंबर होते हैं, पूरी ये बड़ी है, इसमें 5-6 जोनल काउंसिल में बटी हुई है। क्वेश्चन क्या था, इन्हीं 2-3 पॉइंट पे खेलते हैं। कुछ था कि चंडीगढ़ को इंक्लूड किया है जोनल काउंसिल में या नहीं, और दूसरा वो उन्होंने ये नेक्स्ट लेवल पे पूछ लिया कि जितनी 5-6 जोनल काउंसिल है, वेस्ट में कौन सी स्टेट आती है, ईस्ट में कौन सी आती है, नॉर्थ में कौन सी आती है, ठीक है ना। वो किसी की मीटिंग आ रही होगी, करंट अफेयर्स में होगा, अदरवाइज प्लेनली आपसे इतना डिटेल में पूछे वो नहीं पूछेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल है, जीएसटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी काउंसिल आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यस सर, और बताइए किसी को कुछ और पूछना है तो। चलो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट न्यूज में था ये, आप देख लेना। नाउ करंट स्ट्रेंथ क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की? ये चेक कर लेना, आई गेस 34 है, 34 या 35। देश के देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और इनमें से जो सीनियर जज होता है उसको बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस बेसिस पे बनता है, वो बनता है सीनियोरिटी। जो भी सबसे बुजुर्ग है, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, वो सीजीआई बन जाता है। हाँ, ये फनी है बट दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव इन इंडिया। मतलब टैलेंट के बेस पे नहीं बनेगा, एफिकेसी के बेस पे नहीं बनेगा, जो सबसे सीनियर है। बट चलो, सो उसमें भी तो वो हुआ है ना, सुपरसीड हुआ था ना सर, इसमें नहीं, अब तो जो सबसे सीनियर है वो बनता है सीजीआई। मतलब सर, मतलब मैं बोल रहा था पहले भी हुआ था ना इमरजेंसी के टाइम, जो सुपरसीड करके बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, हां वो एचआर खन, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जस्टिस बेग को बना दिया था, फोर्थ सीनियर मोस्ट था, फोर्थ तो उसको बना दिया जस्टिस बेग थे, थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया इन प्रोटेस्ट। आई थिंक एचआर खन्ना बनने वाले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, जो भी थे उन्होंने वो दे दिया। तो तब से कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें छेड़ती नहीं है, ठीक है भाई सीनियर ही बन जाओ। बाकी किस पे बनते हैं, एक कॉलेजियम बैठता है, कॉलेजियम लाइक एक कमेटी आप मानिए, कॉलेजियम बैठता है वो अपॉइंट करते हैं। ओके, एक अभी ये थोड़ा न्यूज में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पहले मैं आपको नहीं बताता। एक अभी ये था कि एक कॉन्सेप्ट है मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर। यस सर, ये न्यूज में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर ऑफ रोस्टर इज सीजीआई। रोस्टर ये है कि हमारे देश में आप देखिए कि नॉर्मली ये हुआ कि क्या मैं आपको बोलूं, राम मंदिर टेंपल का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, तो एक जुडिशियल बेंच के पास जाएगा, उसमें बहुत सारे जजेस होंगे। तो इसमें कितने जजेस होंगे, कौन कौन से जजेस आएंगे, वो कौन डिसाइड करता है, सीजीआई। तो आपको याद है 4-5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओपन मीडिया में आके बोला था कि जो सीजीआई है दीपक मिश्रा, वो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, वो
इस तरीके से जजेस को एक पर्टिकुलर केस में डालते हैं जिससे एक डिजायर्ड आउटकम हो सके। सी आउटकम सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस है, ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको इन जजेस की एक थॉट प्रोसेस पता चल जाता है कि क्या सोचते हैं, लिबरल है, कंजर्वेटिव है, इस स्टैंड पे इनका क्या इशू है। तो आपको पता है कि अगर मैं इन 5 जज को डालूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये न्यूट्रल लगे, लेकिन तब एक पर्टिकुलर रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, यस ठीक है। जैसे अभी हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली कौन सी जजमेंट आई थी, शायद फार्म प्रोटेस्ट वाली आई थी, तो 3 जज थे, तो उसमें सर। 2 जजों ने कुछ बोला, एक जज एग्री नहीं हुआ। मतलब कोई भी जजमेंट आई थी, मैं जस्ट तो ये अभी वो याद नए आ रहा पार्लियामेंट की शायद आई था, थी। नया पार्लियामेंट, ये बिल्कुल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सर। हाँ, थ्री तो सेंट्रल विस्टा टू प्रोजेक्ट इज टू में। वन था ना सर, 3 जजेस थे, तो टू इज टू वन था। यस, तो आपको देखो समझ में आया ना कि अब ऐसा हो कि ये पर्टिकुलर जज की ओपिनियन क्या है, उन दोनों की क्या है। अगले केस में सीजीआई इस तरीके से डाले कि वो, मतलब अब आपको ये समझ में आया कि किस पर्टिकुलर जज को किस केस के लिए भेजना है, ये सीजीआई डिसाइड करता है, और इसकी सीजीआई की ये पावर एक इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड, यस सर। ठीक है ना। तो उन चारों ने क्या बोला था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजीआई नहीं है, मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजीआई होना चाहिए, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। यस सर, वैसे बात ठीक है, मैं इसकी यस सपोर्ट सर। में था, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक डिसीजन को एक वाइडर बॉडी पे छोड़ते हो, उतना डिसीजन के बेटर आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो तो एब्सोल्यूट पावर नहीं देना है, मतलब आप बोल रहे हो किसी एब्सोल्यूट को पावर भी। हमें नहीं देना है, थोड़ा सा हमें उसे डेलीब्रेशन डिस्कशन और एक वाइडर बॉडी पे छोड़ना है, सो दैट एक अच्छा रीजन आ सके, यस सर, ठीक है। तो आपको याद रखना है मास्टर ऑफ द रोस्टर वो कौन होता है, सीजे हाँ सीजीआई, इतना रखोगे तो काफी है। सर हाँ जी, सर, जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी जो ट्रांसफर्स होते सीजे, मतलब सीजे ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स, उसमें तो सर सुपरसीड हुआ है, उसमें कोई ऐसा लॉ है कि सुपरसीड नहीं हो सकता है आप केस बताएंगे मुझे? सर? अभी स्पेसिफिक केस मुझे याद नहीं, पर हुआ है इन द सेंस कि अगर हम लोग, आई कैन लुक अप अ न्यूज आर्टिकल एंड सेंड यू सर, मुझे मतलब याद है, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या केस हुआ। हाई कोर्ट के जजेस को आप कैसे ट्रांसफर करोगे, उसके लिए कमेटी बैठती है। उस कमेटी में कौन होते हैं, एक तो सीजीआई होंगे, देखो सुप्रीम कोर्ट से कौन होंगे, एक तो सीजीआई होंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है, और जो कमेटी डिसाइड करेगी ट्रांसफर का, प्लस उसमें हाई कोर्ट से भी होंगे। हाई कोर्ट से कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे जहां से ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करोगे तो 2 हाई कोर्ट इन्वॉल्व होंगे ना, आप दिल्ली से ट्रांसफर कर रहे हो किसी का मद्रास में, तो कितने हाई कोर्ट इन्वॉल्व होंगे? सर 2 सर, हाँ, तो 2 जने ये होते हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, 5 मेंबर बॉडी होती है। नाउ इसका डिसीजन फाइनल है, बट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था ये, इवन क्लास में तो मैं जरूर बताता हूँ, कभी आप लोगों के कभी जैसे डिस्कशन में आया ही नहीं। सी, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, उनका ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट, इसी कॉलेज हमने। अब उन मिस्टर ने क्या काम करा, खुद ही उन्होंने एक यू नो नोटिफिकेशन निकाला है, कोई भी टेक्निकल जार्गन होगा, उन्होंने जजमेंट दी और उन्होंने अपने ही ट्रांसफर के प्रपोजल को सस्पेंड कर दिया हाँ सर, ये कुछ 1 साल या 2 साल पहले ही हुआ है सर। 1-1.5 साल पहले होता। कैन हाँ यू इमेजिन कि जिस हाई कोर्ट का खुद का ट्रांसफर हो रहा है, एक हायर अथॉरिटी ने किया है, उन्होंने खुद एक जजमेंट पास करके और उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब यहां पे एक दिक्कत होगी, इस केस में अब क्या करेंगे, क्या इस जज ने यस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया है? क्योंकि आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को निकाल सकते हो, कब निकालोगे, जब उसने मिसबिहेव किया हो, मिसबिहेव किया हो या वो इनकैपेबल हो, ये 2 निकालने के ग्राउंड दे रखे हैं। अब सुनिए, निकालेगा कौन, पॉलिटिशियन निकालेंगे,
कहां से निकालेंगे? पार्लियामेंट में प्रपोजल पास करके. अब इन पर्टिकुलर जज ने ये बोल दिया कि बिकॉज मैं सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. नाउ इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर कास्ट इन्वॉल्व कर दी. अब कास्ट इन्वॉल्व कर दी और उन्होंने बोला कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उस क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो क्या कोई पॉलिटिशियन अब इसमें इंटरफेयर करेगा? क्या कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट करेगा? नहीं सर, इलेक्शन मुद्दा बन गया ना, सब वोट बैंक आ गया फिर. नहीं करेगा तो पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं बोला. अब भाई साहब ये जज ऐसी अच्छी अच्छी जजमेंट पास करते हैं. ओके, कुछ टाइम के बाद इन मिस्टर जज ने बोला कि ठीक है, और उन्होंने सॉरी बोल दिया कि दैट टाइम आई वाज नॉट मेंटली फिट, आई वाज इन डिप्रेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. और फाइनली उन्होंने ये इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में पहुंच गए. अब सुनिए, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के बाद ये दोबारा से सर जी इन पे लाइव जा रही है, कुछ वर्ड यूज नहीं कर सकते. ओके, सो इन्होंने दोबारा से दो जजमेंट पास करी, और इन्होंने उस जजमेंट में सीजेआई एंड आई गेस इफ आई एम करेक्ट प्लस 5 या 6 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सम्मन कर दिया, और उन्होंने बोला कि मेरे रेजिडेंशियल कोर्ट पे आके अपील दो, वहां पे आके अटेंडेंस लगाओ, मिलो मेरे पे. कैन यू इमेजिन? इट्स लाइक कि अ कांस्टेबल इज सेइंग कि अपने एसएसपी को वो नोटिस जारी करके दे रहा है कि कल सुबह आना और 10 बजे यहाँ पे मेरे ऑफिस में मिलना मुझको. एक सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से बोल रहा है. ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया कि कंटेम्प ऑफ कोर्ट हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को नोटिस दिया कि जाके इसको अरेस्ट करो. पुलिस अरेस्ट करने के लिए गई, इसने बोला कि अगर मेरे पास भी आए तो आई विल यू नो सस्पेंड यू. तो एक बहुत पूरा ये कंट्रोवर्सी. सही, ये हम लोग जस्टिस कर्णन की बात कर रहे हैं ना सर? मुझे नाम ध्यान नहीं है, इशू नहीं है. यस सर, जस्टिस कर्णन वही है. आप एक बार उसको जाके देखना. यस सर, दिस इज द फन. मजाक बना दिया था सर इसका तो पूरा जुडिशरी. पुलिस के पुलिस से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जाके अरेस्ट करो, हाई कोर्ट कह रहा है मेरे पास भी बता जाना, और सुप्रीम कोर्ट पुलिस को डांट रहा है कि फोर्सफुली उनका मेंटल टेस्ट कर रहा हूं. मेंटल कोई भी टेस्ट हो रहा है. ओके, सो चलो कुछ दो चार और आपको फैक्ट बता रहा हूं, फिर करते हैं. अच्छा ये देख लेना, ये राम मंदिर वाला केस आया था, इसलिए दैट यू नो मैं आस्क. आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, आर्टिकल 143. इसको टेक्निकली बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है? Yes, sir. Okay, now if you want to ask, आज मैंने back to back तीन classes ले ली हैं, तो if you want to ask anything, you may ask. मेरा energy level almost battery down होगी. आपको कुछ पूछना है तो you may ask anything. कोई भी आपका doubt. हेलो सर. हेलो सर, वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना. एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना. सी यहां पे क्या है कि, और मैंने इसको राम मंदिर से कैसे कनेक्ट किया कि नॉर्मल केस में अगर जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, तो नॉर्मल अगर प्रेसिडेंट को किसी मुद्दे पे ओपिनियन लेनी है, तो वो आर्टिकल 143 यूज करके उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं. नाउ सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी देगा. नहीं भी दे सकता ना, क्योंकि पहले सी एक कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है, तो उस पे डेफिनेटली पॉलिटिशियन कोई स्टैंड नहीं लेंगे. आज तक हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो बोला है कि मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ना मंदिर बनाते हैं ना मस्जिद बनाते हैं. वो उस डिस्प्यूट को खुद एक डिसीजन लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने एक डिसीजन ले लिया
तो हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनका कट हो जाएगा। तो पहले यही प्रेसिडेंट से एडवाइस की गई थी, आई डू नॉट नो कि कौन सी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि मंदिर बनना चाहिए या राम मंदिर वाले इशू के लिए उन्होंने पूछा था क्या करना चाहिए, तुम एडवाइस दो। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे फंस जाता, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो एडवाइस दी, तो अगर ये गवर्नमेंट को सूट कर दी तो उसे एक्सेप्ट कर लेते, वरना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस देने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, एंड दैट्स अ एडवाइस, नॉट एडवाइस है, वो एक जजमेंट नहीं है भाई। अगर कोई डिस्प्यूट है और कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उनके पास आया है, सो इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की टू कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट का बिल सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, अच्छा इस पे मैं बताऊं, देखो ये क्या चल रहा है, इस पे दे में आस्क का क्वेश्चन, यहाँ पे अब आप देखिए, आपको सी ऑल ऑफ यू आर, मुझे नहीं पता क्या तैयारी कर रहे हो लास्ट के हर 10-15, अब आपको पर्सनली तो मैं जानता नहीं हूँ, मतलब इन द सेंस की कभी आपसे मिला नहीं हूँ, लास्ट के 10-15 मिनट में मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि एनी डाउट लेके आओ। कोई बच्चे का भाई साहब डाउट ही नहीं आता, इतनी जबरदस्त तुम तैयारी कर रहे हो कि कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। तो जाके अच्छे से पढ़ो, कोई भी नए डाउट मिल रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उन्हें लेके आओ, मेरे से पूछो। और ये 10-15 मिनट फिक्स नहीं है, अगर तुम्हारा डाउट चलता रहेगा, तुम्हारे डाउट खत्म नहीं हो रहे, मैं 10:30 बजे तक भी क्लास लूंगा, 11 बजे तक भी मैं क्लास लूंगा, क्लास ये नहीं है, तुम्हारे डाउट चलते रहेंगे, कहीं पे फंस रहे हो लेकिन लेके तो आओ। अगर तुम ही डाउट लेके नहीं आओगे तो मैं कितनी तरफ से, अपनी तरफ से कितना पुश कर सकता हूँ, लिमिटेड है। और यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए मैं अपने, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो यू नो ये मतलब आप ये मानिए कि जस्ट मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए, अदरवाइज इट्स लाइक कि ये साइकोलॉजिकली बेकार सा प्रोसेस है, लैपटॉप के सामने अपने आपसे बात कर रहे हो। तो अगर आप पुश नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑफलाइन क्लास में आई कैन पुश, बट यहाँ पे आपको ही करना है। तो आप डाउट लेके आइए, क्लास 10 बजे से 5-10 मिनट पहले मैं डेली खत्म कर देता हूँ, मैं उसको 1 घंटे तक भी एक्सटेंड कर दूंगा, पर आपके डाउट जब तक सॉल्व नहीं होंगे टाइम की कोई कमी नहीं है। बट अगर आप डाउट पूछे ही ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके सो क्या मैं आपको बता रहा था, ये किसी ने नहीं पूछा, ये इतना मुद्दा न्यूज में चल रहा है। सी फार्मर्स क्या कह रहे हैं, फार्मर्स कह रहे हैं कि जो पॉलिसी डिसीजन होता है, पॉलिसी डिसीजन होता है उसमें, ये शॉर्ट फॉर्म जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कुछ बोलेगा, ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि आप फार्म बिल लेके आए हो नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप क्यों लेके जा रहे हो, गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उसको वापस लेना है या नहीं लेना है। वापस तुम ले रहे हो तो ठीक है, ये हमारी डिमांड पूरी हो रही है, नहीं हो रही है तो देखो फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सुप्रीम, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसको एवरी राइट है कि वो पॉलिसी मैटर में देखे, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला था। और ये जो अभी हुआ है कि पॉलिसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, अगर आप एक एडवोकेट होते हैं आप समझते दैट्स अ बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया ये, बट अगेन जो हुआ है तो देखना ही पड़ेगा, बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया। अगे वो सेपरेशन ऑफ पावर्स हट गया ना सर, अगे yes, अब ये मैंने ये सेपरेशन ऑफ पावर मैंने पढ़ाया हुआ है आप सभी लोगों को सर अपने, हाँ मतलब एक्सप्लेन है मुझे, मैंने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ाया है कि भैया जुडिशरी का काम डिस्प्यूट सॉल्व करना है, लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, और किसी क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, पॉलिसी डिसीजन इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो अगर पॉलिसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है तो इट्स रॉन्ग। सी कुछ जो एक्सपर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 3 बेसिस है देखने के। पहला बेसिस है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा आप देखोगे कि क्या ये लोगों के फंडामेंटल राइट या किसी इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, नहीं कर रहा है। और तीसरा भी उन्होंने कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा मेरे। तो अगर इन तीनों ही केस में फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तो कोई सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है, इट्स नॉट द वर्क एरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर इन दिस पर्टिकुलर, इट्स नॉट द व्हाट आई एम सेइंग कि अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस सर,
ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेल यू ना कि क्या कहते हैं कि आपकी जो सीएनजी बसेस हैं उनका कलर ग्रीन होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, दैट्स अ पॉलिसी डिसीजन, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय एग्जीक्यूटिव, और इस पे लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर की है। बट लेकिन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ओनली देन जुडिशरी कुछ बोलेगी। सर, लेकिन डिस्प्यूट तो पीपल लाइक जैसे फार्मर्स वर्सेस द गवर्नमेंट है, राइट? तो अब डिस्प्यूट है तो किसी को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, मैं इसलिए भी तो आपको सुप्रीम कोर्ट बोलना, गया इंडिया सर। में आप में से मुझे ये नहीं पता कि कितने, अच्छा पॉलिटिकल साइंस वाले कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है थोड़ा सा? अच्छा मैं हूँ सर, बट तो ठीक है, और बाकी बता। ओके, 12th तक पढ़ी है। वो तो कुछ नहीं है, वो तो बच्चों वाला है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि इन इंडिया यू विल फाइंड पीपल हु आर अपोजिंग कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड सपोर्टिंग जो फार्मर्स अब आपका इलीगली रोड को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, गवर्नमेंट की बैरिगेटिंग के बावजूद भी तोड़ के बैठे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि फार्मर्स के पास राइट नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर आप इन दोनों के कोर फंडामेंटल में जाओगे तो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। किसी को इसमें आर्ग्यू है तो आई कैन एक्सप्लेन, बट इन इन फंडामेंटल कोर जो आप कर रहे हो एक्ट, वो दोनों में सेम ही कर रहे हो। बट इंडिया में आपको वो सी है ना, देयर इज अ स्वीट स्पॉट कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स। ये जो लेफ्ट लिबरल्स होते हैं ना, लाइक कन्हैया कुमार या जो भी हैं भाई साहब, इनके पास तो इतना अच्छा पॉइंट है, हमेशा रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और देश में तो प्रॉब्लम रहने ही वाली है। तो इन लोगों के पास तो ये है कि इनका करियर तो बना हुआ है। आप में से भी किसी को एक्टिविस्ट बनना है ना, तो लेफ्ट लिबरल बन जाओ, वैसे लिबरल रहो एंड लेफ्टिस्ट रहो, तो तुम्हें कभी भी कोई सी भी सरकार है मुद्दों की कमी नहीं रहेगी। सो अगेन, चलो इसको मेन बाद में डिस्कस करेंगे कैसे सेम है, बट फंडामेंटली बोथ आर सेम। किसी को कुछ पूछना है, ज्यादा ही मन कर सर, आप रहा ऊपर पॉलिसी डिस्प्यूट बता रहे थे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं कर सकता पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन अगर उस केस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जैसे रिगार्डिंग दिस केस फार्म लॉस को लेके, तो फिर उस केस में डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? देर इज नो डिस्प्यूट, वॉट काइंड ऑफ डिस्प्यूट यू आर टॉकिंग अबाउट? सर आप मतलब कि कुछ एग्रीमेंट या कुछ भी नहीं आ पा रहा, मतलब कहीं पे कुछ जजमेंट नहीं आ पा रही ना। सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूं, ये लॉ क्या वायलेट कर रहा है? ना तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ना ये लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ना ये लॉ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और फर्दर एरिया, इंडिविजुअल फ्रीडम या स्टेट के एरिया में जाके काम कर रहा है, ये किसी चीज को वायलेट ही नहीं कर रहा है। और इसको ड्यू प्रोसेस से पास किया गया है, पार्लियामेंट से इसको पास किया गया है, दोनों हाउस से, प्रेसिडेंट से साइन कराए गए हैं। डेमोक्रेसी में यही तो तरीका है। अब अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उनका तरीका ये है कि अपने एमपी से जाके बोले कि हमें पसंद नहीं आ रहा, आपको वोट नहीं देंगे, और वो सारे एमपी ये डिसाइड करे और वो मोदी जी को हटा दे, या अगले इलेक्शन में वोट ना मिले। यही तो प्रोसेस है, और अब यही तो ड्यू हाँ, प्रोसेस है। यस सर, यस सर। अगर यहाँ पे देखो, यही तो है। देखिए, यूएस ने, यूएस में एक इलेक्शन कराने वाली बॉडी है, ठीक है, यूएस में एक इलेक्शन कराने वाली बॉडी है, वहां का इलेक्शन कमीशन है, उसने सर्टिफाइड कर दिया कि बाइडन जीता है, लेकिन ट्रंप मान नहीं रहा, और उसने अपने सपोर्टर से बोला है कि जाके ये करो। तो आपका जो देश का जो इंस्टीट्यूशन है, आप उसको नहीं मान रहे हो, ठीक है मत मानो, उसमें अगर कुछ कमियां है तो वहां का सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वो बोल रहा है सारी चीजें ठीक है। तो जब देश के सारे इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं सारी चीजें ठीक है, तो या तो उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ये दो ही वे है तुम्हारे पास। तो हमारे देश में, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये लॉ अगर पार्लियामेंट से आपने पास नहीं किया तो प्रोटेस्ट करो, ऑर्डिनेंस मेकिंग नहीं है तो प्रोटेस्ट करो, ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो प्रोटेस्ट करो। मतलब प्रोटेस्ट तो आप खैर नॉर्मली भी कर सकते हो, बट आप फिर रोड को चक्का जाम कर रहे हो, आप 26 जनवरी को ये बोल रहे हो, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास कर रहे हो, तो ये तो आप देश के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कर रहे हो।
आप ये बोलो कि दो सारे फार्मर ये डिसाइड करें कि 2024 में क्या अब बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, और अगर देश के 50% फार्मर ये डिसाइड कर रहे हैं फिर बीजेपी कभी पावर में ही नहीं आएगी, आप ये कर सकते हो. सी डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अबाउट सी मेजोरिटी रूल. ये है मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है. आपने कोई चीज की है और 90% फार्मर उससे खुश है, या मैं बोलूं 10% उससे परेशान है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें. हाँ ये है कि डेमोक्रेसी में आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, बट क्या हर एक डिसीजन पे 100% लोगों को साथ लेके चलना पॉसिबल है? नहीं. फॉर एग्जाम्पल सीना द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का एक भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि आर्टिकल 370 हट जाए, इन्होंने हटा दिया. अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो पीसफुल प्रोटेस्ट करो अदरवाइज इसको मानो. समझे ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी सा टॉपिक है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, कभी डिटेल में आऊंगा तो बताऊंगा. आप स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते. So guys, I hope it's enough for the day. So could you just scroll up, sir, like once? क्या क्या पूछना है बताइए, स्पेसिफिक बताइए. मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन. If you could just scroll up the page, sir. I just want to see. इसमें कुछ नहीं है, सब ऐसे ही कार्टून से बने हुए हैं. दो मिनट के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा. इसको तो मैं शेयर भी नहीं करूंगा, अदरवाइज बच्चे वैसे ही देख के डर जाते हैं कि ये समझ में आ जाएगी इसमें पढ़ा क्या. ऐसी एक कार्टून लग रहा है जैसे छोटे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं. ये थोड़ा सा फिर भी ठीक है. ये ही था काम का थोड़ा सा इंटरेस्टेड वाला. हो गया मैडम आपका? सो गाइज आई गेस इट्स इनफ फॉर द डे. आज के लिए इतना ही एंड गुड नाइट. आप सभी लोग अच्छे से पढ़े, और अगेन मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करें, और डाउट्स हैं तो लेके आए उनको. ठीक है, बाय. थैंक यू सर. बाय सर. Bye-bye. And happy